एशिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब सूरत शहर का सबसे बड़ा 150,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ और एक नामचीन अत्याधुनिक टेक्सटाइल मिल है, ऐश्वर्या डाइंग मिल प्राइवेट लिमिटेड, जो सूरत शहर का एक फेमस लैंडमार्क भी है। 2005 में श्री रमेश भाई मोदी ने ऐश्वर्या मिल की शुरुआत की और अपने बेहतरीन मैनेजमेंट, मेहनत, रचनात्मकता, सही सोच और विजन के साथ काम करते हुए ऐश्वर्या मिल को इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐश्वर्या मिल की खासियत है यहाँ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें, जिससे कम समय में होता है बेहतरीन प्रोडक्शन बेस्ट क्वालिटी के साथ। समय के साथ मशीन की अपग्रेडेशन और नई टेक्निक को शामिल करके ऐश्वर्या मिल ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनाई है। ऐश्वर्या मिल की बिजनेस पॉलिसी में अपने सभी क्लाइंट और व्यापारी भाइयों के लिए ग्रे इनवर्ट से लेकर पेमेंट टर्म्स में भी सबसे आकर्षक स्कीम्स रखी गई हैं, ताकि सभी व्यापारी भाई ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में काम करवा सकें। श्री रमेश भाई सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ऐश्वर्या मिल में सभी व्यापारी भाइयों से मुलाकात करते हैं और उनकी टीम व्यापारी भाइयों के सभी नए डिजाइन और कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसका उचित समाधान देकर उन्हें सैटिस्फाई करते हैं। ऐश्वर्या मिल की विशेष खासियत है यहाँ की लेटेस्ट कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, जिसकी वजह से सभी लेटेस्ट डिजाइन, क्रिएशन और सभी प्रोसेस वर्क सिस्टमैटिक तरीके से होता है। ऐश्वर्या मिल की पूरी टीम के साथ श्री रमेश भाई हर रोज कंपनी के कामकाज को लेकर मीटिंग रखते हैं, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के इंचार्ज, डिपार्टमेंट के हेड और मास्टर शामिल होते हैं और श्री रमेश भाई अपनी टीम के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान देते हैं और साथ ही साथ सभी बेहतर काम को और बेहतर कैसे किया जा सके उसके दिशा निर्देश भी देते हैं। ऐश्वर्या मिल की विशेषता है उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम और टेक्नोलॉजी में वेल ट्रेन्ड वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स, जिसकी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट और प्रोडक्शन ऑन टाइम होता है। फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी के समय में भी सभी पार्टियों को ऑन टाइम डिलीवरी दी जाती है, जिसके लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट टीम की व्यवस्था है। अपने ग्राहक को बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाकर देने की कमिटमेंट ही है ऐश्वर्या मिल की खास पहचान। व्यापारी भाइयों की प्रगति ही ऐश्वर्या मिल की उपलब्धि है।